देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारी पहुंचे राजस्थान के सीएम। अपने दो दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में आए राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में डूबे नजर आए। उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा के साथ राजयोग ध्यान भी किया। प्रवास के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी तथा राजयोगिनी बीके जयंती दीदी से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की और आशीर्वाद लिया। ज्ञान चर्चा में उन्होंने कहा कि इससे जीवन में सुधार और शांति का विकास होता है। यहाँ आने से मेरे मन में शांति आती है। भैया बोले आ गए हैं तन के बाबा ने बुलाया तो आने बिना बुलाया थोड़ी आते हैं। बाबा की फीलिंग तो होती है, वही ये होती है। देखिए सबसे बड़ा जो है मन, ये मन अपने आप आकर्षित हो जाता है बाबा के प्रभाव से। इसके बाद उन्होंने संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के समाधि स्थल अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि अर्पित कर ध्यान किया। इसके साथ ही उन्होंने संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, ग्लोबल अस्पताल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मेढा से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। इस दौरान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जालौर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, पूर्व विधायक जगसीराम कोली, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, बीके प्रकाश समेत कई लोग उपस्थित थे। संबलपुर में नवनिर्मित सेवा केंद्र बनकर तैयार। संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के सब जोन निदेशिका बीके पार्वती के निर्देशन में पावन सरोवर रिट्रीट सेंटर में एक विशाल आध्यात्मिक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, बीके शिविका, बीके देवी, राउरकेला सब जोन प्रभारी बीके बिमला समेत कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी महानुभावों द्वारा तृप्ति भवन का शुभ उद्घाटन हुआ, जिसके पश्चात शिव समर्पण होने वाली बहनों के माता पिता का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सम्माननीय अतिथि के रूप में विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंध निदेशक भास्कर राव और त्रिलोचन निर्दालय के प्रतिष्ठाता डॉक्टर शिव कुमार साहू उपस्थित रहे। शिव समर्पण समारोह के आयोजन में ओडिशा के सम्माननीय लोकायुक्त सदस्य देवव्रत स्वैन, बुर्ला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति बंशीधर मांझी, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय के कुलपति एन नागाराजू तथा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर संबलपुर के डीआईजी संजय कुमार सिंह आदि मुख्य हस्तियां भी उपस्थित रहीं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं ये लास्ट 3 साल के अंदर में जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, जब भी पार्वती दीदी ने मुझे बुलाया, मैं उस अवसर को कभी छोड़ा नहीं एंड हर वक्त आके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर शिव बाबा का साथ हो, ब्रह्मा बाबा का सानिध्य हो हमारे सर के ऊपर, तो हमारे जीवन में एक शांति का वातावरण आता है। और जिस कार्य को भी हम करना चाहें, अगर शांति से हम करते हैं, तो निस्संदेह हम 100% जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संबलपुर शिव दर्शन भवन से पावन सरोवर तक एक विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ, जिसमें 3 सुसज्जित रथों में विराजमान ब्रह्मा कुमारी बहनों के दर्शन के माध्यम से संबलपुर के निवासियों को शिव संदेश प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में आगे 30 सालों से अधिक सेवा में समर्पित 10 ब्रह्मा कुमारी बहनें तथा 20 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे 65 युगलों का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें ओडिशा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अर्क कुमार दास महापात्र और ओडिशा सरकार के पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट के विशेष सचिव निहार रंजन दास का योगदान रहा। इस अवसर पर सभी बीके सदस्य स्वर्णिम युग के परिधान में साक्षात देवी देवता नजर आए, तो वहीं स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार विषय पर जग जागरण कार्यक्रम का 6,000 से ज्यादा लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर संबलपुर उत्कल मारवाड़ी युवा मंच, लॉयंस क्लब, शक्ति शाखा आदि संगठनों द्वारा बीके जयंती दीदी एवं बीके मृत्युंजय भाई को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उड़ान ग्रुप के कलाकारों ने मनमोहक नृत्य द्वारा विशेष प्रस्तुति दी। वहीं अंत में बीके शिविका ने कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। तो परमात्मा शिव कहते हैं कि ये जो कलयुग का पहाड़ है, उसको उठाने के लिए आप सबकी उंगली की, छोटी सी उंगली की आवश्यकता है। फैलाने का कार्य रहा है, अभी इस कुमारियां ये अपना जीवन समर्पण कर रही है।
संतान की हर आत्मा को परमात्मा के द्वारा सुख शांति सत्यता पवित्रता खुशी का वर्षा प्राप्त हो सके। बाबा ने एक बार मुरली में कहा, एक एक कुमारी सब ब्राह्मणों से भी उत्तम है। बाबा ने अनेक बार कहा, कल भी हमारा जयंती दीदी याद दिलाया, एक एक कुमारी 21 कुल का भी उद्धार कर सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने सुनते हैं, परंतु उसका साक्षी आपको देखने को अभी मिल रहा है। आप धन्य धन्य हैं, ऐसी वर को आपने ढूंढा, ऐसे घर को भी ढूंढा जो अविनाशी घर, बाबा का घर जो अविनाशी घर है, आप अविनाशी प्राप्ति है। नई दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसका उद्घाटन राजौरी गार्डन सेंटर पर हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके शक्ति के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बीके मेहता, क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शिवचरण गोयल जी ने समाज में बदलाव के साथ साथ समाज को नशा मुक्त, व्यसन मुक्त और विकार मुक्त बनाने के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना की। वहीं बीके शक्ति ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान से जन जन को नशा मुक्त बनाने की अच्छी सेवा बस के द्वारा हो रही है। उद्घाटन सत्र के बाद क्षेत्र में जागरूकता के लिए एक रैली भी निकाली गई, जिसमें कुंभकर्ण LED स्क्रीन के द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और नशे से मुक्त होने के उपाय बताए गए। इस बस के द्वारा ऑफिसेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, मंदिर, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, पुलिस स्टेशन आदि स्थानों पर ईश्वरीय संदेश दिया गया और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नेशनल अकाली दल अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा, पूर्व विधायक चंदेला समेत कई विशिष्ट लोगों का सहयोग रहा। ग्वालियर माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन की 6वीं वर्षगांठ पर वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यवसायी पीताम्बर लोकवानी, नगर निगम वार्ड 50 के क्षेत्रीय अधिकारी सत्येंद्र सिंह सोलंकी, PMP एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रंजीत सिंह छावड़ा, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर HS कुशवाहा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रानी कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श ने प्रभु उपहार भवन में सेवाओं के 6 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज कल्याण व विश्व कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इस कार्यक्रम में बीके प्रहलाद ने हर क्षेत्र में हो रही सेवाओं की जानकारी दी, तो वहीं सभी अतिथियों ने संस्था द्वारा हो रहे कार्यों को सराहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।